सत श्री अकाल जी, तुहाडे सारयां दा साडे इस चैनल ते स्वागत है। अज मैं तुहाडे लई जरनल साइंस दा दूजा भाग लैके आ गया, जिस विच आपां लगभग 40 तो 50 जरनल साइंस दे क्वेश्चन करांगे जो कि प्रीवियस ईयर विच आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक विचों चके गए हैं जिहड़े पंजाब दे रीसेंट कुछ पेपर होए ने। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, इस वीडियो नूं पूरी ते ध्यान नाल देखना। चलो अज दा आपां पहला प्रश्न स्टार्ट करदे हां जी। अपने कोल क्वेश्चन है जी, वेग नूं किस यूनिट विच मापिया जाता है। वेग हुंदी है जी वेलोसिटी, वेलोसिटी नूं मापिया जाता मीटर प्रति सैकेंड दे विच। अपना अगला क्वेश्चन कहिंदे जी, लाल प्लैनेट किस नूं आख्या जाता है। लाल ग्रह आख्या जाता है जी मंगल ग्रह नूं लाल ग्रह आख्या जाता है। अगे चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वल। मानव शरीर विच कितनियां हड्डियां हुंदियां हन। देखो जी, मानव शरीर विच हुंदियां ने हड्डियां 100। अगर तुहानूं पुछ लवे जी बच्चे दे शरीर विच 300 तो प्लस हड्डियां हुंदियां जी, ठीक है जी। तो एक मैं तुहानूं होर गल दसदा, तुसीं कोशिश करो अपनी नोटबुक नाल लैके बैठो, ये क्वेश्चनस नूं नोट करते रहो, सो दैट बाद विच वी तुहानूं रिवाइज़ करन दे विच आसानी रहे। अगे चलदे हां जी अपने अगले क्वेश्चन वल। पुछदे ने जी, शरीर विच पाचन दी क्रिया कित्थों शुरू हुंदी है। देखो जी, शरीर दे विच पाचन दी क्रिया वो अपने मूँह तो स्टार्ट हो जाती है। अपने मूँह दे विच जिहड़ी लार हुंदी है, इस सलैवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है, तो वह की करता है जी कार्बोहाइड्रेट नूं तोड़ना शुरू कर दिंदा है। इत्थों ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अपना अगला क्वेश्चन जी, सब तो भारी धात मैटल कहड़ा। देखो जी, सब तो भारी धात है अपने कोल जी ओसमियम, याद रखना सब तो भारी धात ओसमियम। अगे चलते हैं जी, सब तो वध खिचण योग धातु कीड़ी है जी। खिचण योग मतलब डकटाइल, जिस चीज़ दियाँ तारा बनाईया जा सकन। सब तो ज़्यादा खिचण योग चीज़ हुंदी है जी चांदी। चांदी का एक ग्राम दे नाल आपां 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। सोचो जी, एक ग्राम दे नाल 2 किलोमीटर लंबी, इन्नी ज़्यादा खिचण योग धातु है चांदी। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन है जी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। देखो जी, ब्लड ग्रुप की खोज की सी कार्लैंडस्टेनर, ठीक है जी। कार्लैंडस्टेनर सी जेड़ा, इसने की सी ब्लड ग्रुप की खोज की सी। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वल। धरती दे सब तो नेड़े केड़ा तारा है जी। देखो, धरती दे सब तो नेड़े पूछा गया तारा, जो धरती दे नेड़े सब तो तारा है जी। देखो, सन अपने कोल ऑप्शन दिती हुई है, सूरज भी एक तारा है, ठीक है जी। इसनों याद रखना है, सूरज भी एक तारा है, तो सब तो नेड़े वाला तारा केड़ा है सूरज। अगर सन ना दिता हुंदा तो आप दूसरी ऑप्शन देखते तो फिर इस सवाल नूं हल करते। अगर सन दिता होए तो तुसी पहला सन ही लगाना है, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी, कहिंदे जी इलैक्ट्रॉन की खोज किसने की। याद रखना जी, इलैक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। अगर तुसी 9th क्लास की साइंस कदे देखी होवे, उन्दे विच आंदा जी जे थॉमसन का एटम का मॉडल, तो इत्थों याद रखना जे थॉमसन ने ही इलैक्ट्रॉन की गल की सी, इसने इलैक्ट्रॉन की खोज की सी। अगले क्वेश्चन वल वधदे हां जी। अपना अगला क्वेश्चन है जी, किहड़े ब्लड ग्रुप नूं यूनीवर्सल डोनर कहा जाता है, जिहड़ा सब नूं दान किया जा सकता है। देखो जी, वो ब्लड ग्रुप है ओ, जिहड़ा ओ ब्लड ग्रुप हुंदा है वो किसी नूं भी खून दान कर सकता है, ठीक है जी। यूनीवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ। चलते हैं जी आपां अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन आ गया जी, किहड़े ब्लड ग्रुप नूं यूनीवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। देखो जी, अपने कोल एक ब्लड ग्रुप हुंदा ए बी, ए बी जिहड़ा अपना ब्लड ग्रुप है, इन्दे विच आपां ए ब्लड ग्रुप नूं भी पा सकते हैं, बी नूं भी, ओ नूं भी, तो ए बी नूं भी। ये चारां तरहां दे ब्लड ग्रुप्स कोलों खून लै सकदा है, तां इसनूं बोलिया जांदा जी यूनीवर्सल एक्सेप्टर। अपना अज दा अगला क्वेश्चन जी, पुछदे ने जी टैंपरेचर दा एस आई यूनिट। देखो जी, एस आई यूनिट हुंदा जिहड़ा स्टैंडर्ड यूनिट, ये अपने कोल हैगा जी कैलविन। आम तौर पर आपां सैलसीयस ते फारेनहाइट नूं वरतदे हां, कैलविन नूं बहुत घट वरतदे हां, पर विज्ञान विच साइंस विच जिन्ने भी कम किए जाते हैं सारे एस आई यूनिट कैलविन दे नाल ही किए जाते हैं। चलते हैं जी आपां अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन आ गया जी, देखो ये हुण इत्थों क्वेश्चन इंग्लिश स्टार्ट हो रहे हैं, मैं कोशिश करांगा जिन्ना पंजाबी हो सके दसा। उन्होंने पूछा जी, अपने कोल कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल विच केड़ियां वेव्स यूज़ होंदियां। देखो जी, कॉमन टीवी रिमोट विच अपने कोल इंफ्रा रेड वेव यूज़ होंदी है। इन्दे बारे मैं तुहानूं गल दसदा, रिमोट दे उपर एक तुसी देखिया होएगा निक्का जिहा बल्ब लग्या हुंदा है, ये बल्ब वैसे नहीं जगदा, बट अगर तुसी इहनूं कैमरा चला के उहदे विच वेखो तो ये आपां नूं उत्थे दिसदा है, ठीक है जी। रिमोट नूं चैक करन दा ये बड़ा ही ईजी तरीका है। तो वेव्स केड़ियां हुंदियां जी, इन्फ्रा रेड वेव्स। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर क्रॉप। देखो जी, कहिंदे केड़ी इन्हां विचों मेजर क्रॉप नहीं हैगी। देखो जी, वीट बहुत उगाई जाती है, पैडी भी बहुत उगाई जाती है, कॉटन भी उगाई जाती है। आ गया जी अपने कोल दालां, जिहड़ियां दालां ने जी वो अपने पंजाब दे विच ज़्यादा नहीं उगदियां। कुछ एग्रीकल्चर दे एक दो क्वेश्चन सी वो भी मैं ऐड कर ले, सो दैट आपां इहनूं जनरल साइंस दे विच ही कवर कर सकीए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन वल।
अपना अगला क्वेश्चन है जी, देखो कहते जी बीटी सीड्स, देखो ये टिपिकल साइंस का क्वेश्चन है बट प्रीवियस ईयर में आया हुआ सी, तुसी याद रखना बीटी, वैसे बीटी की फुल फॉर्म होंगी है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। एक ही किया जाता है कॉटन है जी, कॉटन प्लांट नू की किया गया, इनके डीएनए में कुछ चेंज लैके आए गए तो उसको आप जी बीटी कॉटन, ये जस्ट तुसी याद रखना है बीटी कॉटन इंपॉर्टेंट है साइंस के, इनका वार वार जिक्र आता है। चलते हैं जी अगे, अपना अगला क्वेश्चन आ गया जी, कॉमन सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ, देखो जी कॉमन सॉल्ट होंदा है अपने कोल NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, जिहड़ा सोडियम क्लोराइड है ये अपने कोल बनता है जी HCl तो एक बनता है NaOH तो, ठीक है जी। सो ये दोनों ही की ने स्ट्रोंग एसिड तो स्ट्रोंग बेस ने, सो अपनी ऑप्शन की बन गई ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल, अपना अगला क्वेश्चन है जी, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, द साउंड चैप्टर जो क्वेश्चन पाया गया है, द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस, उन्होंने जेडे विंग्स होंगे ने जी वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं जिहड़ियां कि आप सुन नहीं सकते, वो आवाज़ नूं मान लो छड़नगे, जदों आवाज़ टकरा के उन्होंने कन्ना च वापस आएगी तो उस तो दूरी का अंदाजा लगाते हैं, इन्हों बोलते हैं जी अल्ट्रासोनिक वेवस। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने, सो इन्हों नूं बिल्कुल आपां नहीं छड़ना, ये सारे कवर करने ने। चलो जी एक स्पेस विचों क्वेश्चन आया होया, कहिंदे जी किहड़ा परसन सी जिहड़ा पहली बार स्पेस चेंटर कीता सी, इहदा नाम है जी यूरी गैगरिन, याद रखना है यूरी गैगरिन फस्ट परसन टू एंटर इन स्पेस। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, अपना अगला क्वेश्चन है जी इत्थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखना जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दे विच स्थित है, ठीक है जी। चलते हैं अगे, अगे अपने कोल क्वेश्चन आ गया जी, हू डिस्कवर्ड द एटम बॉम्ब, याद रखना है जी जदों एटम बॉम्ब की गल आवे ओटो हैन, ये परसन का नाम है जी ओटो हैन एटम बॉम्ब। ये कुछ देखो इन दे विच मैं तुहानू दसा साइंस नहीं नाल इन दे विच स्टैटिक साइंस के कुछ फैक्ट्स होंगे ने ना जी, मैं वो भी इनकलूड कर लेने सो दैट तुहानू कितों अलग तो ना पढ़ने पैन। तुसी एक काम करो जरूर ये क्वेश्चन नू नोट करो, बाद चो इन्हां नू रिवाइज़ करिया जी ताकि तुहानू आने वाले टाइम विच ये चंगा फायदा दे सकन। जेडे अपनी 35 नंबर की जीके आनी है, उम्मीद की जा रही है 35 विचों 5 तो 7 क्वेश्चन जनरल साइंस विचों हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नू आपां बिल्कुल नहीं छड़ना क्योंकि कंपीटिशन वाले एग्जाम्स दे विच आपां ने कोल एक एक अद्धे अद्धे नंबर तो बड़े रैंक्स का फर्क पै जांदा। सो तुसी ये क्वेश्चन नू चंगी तरह करते रहो तो मैं कोशिश करांगा इन दे होर भी अगे पार्ट्स लैके आवांगा पंजाबी विच लैके आवांगा सो दैट तुहानू आसानी रह सके। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन विच, कहंदे जी देखो पेंसिल विच की यूज़ हुंदा जी, पेंसिल दे विच जिहड़ा सिक्का हुंदा है वो हुंदा जी ग्रेफाइट दा बनिया, वैसे आपां इहनूं बोल दिंदे आ लैड बट ये लैड दा नहीं बनिया हुंदा, लैड भी एक तत्व है ये एक अतात है बट ये बनिया किंदा हुंदा जी ग्रेफाइट दा, याद रखना। अगला अपना क्वेश्चन आ गया जी, कहंदे गैस यूजली फिल्ड इन इलैक्ट्रिक बल्ब, देखो जी वैसे इलैक्ट्रिक बल्ब दे विच हीलियम नॉर्मली फिल करदे ने पर हीलियम इत्थे ऑप्शन विच नहीं हैगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव नहीं की जाती, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव हुंदी है धमाकेदार हुंदी है धमाका कर सकदी है नहीं की जाती, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी है, सो अपने को आंसर बचता जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन किसी नाल बहुत घट रिएक्ट करती है जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल, देखो जी अगला क्वेश्चन आ गया, कहंदे जी फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड, सब तो वड्डा पाचन का केंद्र अपने शरीर में जी अपनी छोटी आंत, ये नाम तो ही छोटी है पर इनकी जी लंबाई है वो है जी 6 to 8 meters, याद रखना है जी अगर फुटा दे विच पुछ लैन तो लगभग तुसी इहदा आंसर 24 to 25 feet लगा लो जी, ठीक है जी 22 to 25 भी लगा सकते हो, जस्ट मैं तुहानू जनरल आइडिया दिता है, नाम इहदा छोटी आंत है बट ये है बहुत लंबी। अगो जी प्लांट्स दे विचों एक क्वेश्चन आया जी, कहिंदे ये प्रोसैस का नाम दसो जिंदे विच प्लांट्स पानी लूज़ करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म च हवा च, देखो जी पानी पौधे दे जिहड़ा पत्ता हुंदा ना जी पत्ते उपर हुंदा अपने कोल स्टोमैटा छोटे छोटे छेद होंगे ने इन दे विचों पानी उड़दा रहिंदा सो दैट पानी नीचों खिंचया जा सके, जिस तरह आपां कोई फ्रूटी पीने या कोई चीज़ करते हैं आपां फ्रूटी नूं इस तरह खिंचते हैं ना तो नीचों फ्रूटी उपर आती है उस तरह ही की हुंदा है जिहड़ा पानी हुंदा है ये की हुंदा जी इस तरह बहुत वड्डा मान लो अपने कोल एक पौधा है, ठीक है जी ये पौधे विच की हुंदा है नीचे जड़ां तो इस तरह एक पूरा पानी का कॉलम बन जाता है सूरज की गर्मी नाल उपर नूं खिचींदा है तो आ सारा पानी है जड़ा है हौली हौली उपर मूव करता है, सो इसका आंसर हुंदा जी ट्रांसपीरेशन ऑप्शन डी। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहिंदे अ परसन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, देखो जी फिर क्वेश्चन उही आ गया पहला आपां कीता सी इनू यूनीवर्सल एक्सेप्टर भी बोलिया जांदा है किसी का भी ब्लड ग्रुप लै सकदा है वो है जी ए बी, अपने कोल की आंसर है जी ए बी। इस तो बाद आ गया जी अपने कोल वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब नू किस लिए वरत्या जाता है, देखो जी वेंचुरी ट्यूब नू वरत्या जाता है फ्लो ऑफ लिक्विड लई, तुहानू एक सिंपल जी गल दसा ये ट्यूब कुछ इस तरह की होंदी है
एक साइड तो थोड़ी मोटी होंदी है, एक साइड तो थोड़ी पतली होंदी है। एक गल मनी जाती है किसी चीज़ का जिहड़ा डायामीटर अपने को जिन्ना घट होएगा उस पानी का प्रैशर या किसी लिक्विड का प्रैशर उन्ना ज़्यादा होएगा। सो इसे प्रिंसीपल पर काम करते हुए जिहड़ी वेंचुरी ट्यूब है वो आपां फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे जानकारी दिंदी है। चलते हैं जी अगे, अपना अगला क्वेश्चन कहिंदे जी मेजर इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस, इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस का यूनिट हुंदा है जी ओम। इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस यानी रुकावट, इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस का मतलब हुंदा है जी रुकावट, जिहड़ी रुकावट करंट नूं मिलदी है, एक इलैक्ट्रॉन नूं मिलदी है किसी कंडक्टर विचों लंघन लई, उहनूं मापदे ने जी ओम मीटर लान, याद रखिया जांदा यूनिट ओम है ते मापिया किहदे नाल जांदा जी ओम मीटर। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, अगला क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो जी ब्लड नू क्लॉट करन दे विच, खून नू जमाउन दे विच, याद रखना विटामिन के दा बहुत वड्डा हाथ हुंदा है, विटामिन के अपने खून नू जमाउन दा काम करदा है। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, कहिंदे जी इंडिया दा बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कित्थे बनया होया है। जिहड़ा इंडिया दा बिगेस्ट रिसर्च रिएक्टर है जी ध्रुवा, याद रखना है। एक कुछ स्टैटिक अपने को जी साइंस है उसके क्वेश्चन ने, इन्हों भी बिल्कुल नहीं छड़ के जाना। अच्छा क्वेश्चन आ गया जी अगे एक जी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कित्थे बॉर्न होया, ये होया सी जी ब्रिटेन, इनू इंग्लैंड भी आ सकता ऑप्शन दे विच, सो घबराना नहीं हैगा कि आ गया, याद रखना है ब्रिटेन इंग्लैंड दे विच जिहड़ा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सी वो होया सी। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, कहिंदे जी देखो केड़ा इन्हां विचों फैट सोल्यूबल नहीं है। फैट सोल्यूबल देखो जी विटामिन दो टाइप के होंदे ने, एक होंदे ने जी वाटर सोल्यूबल, एक होंदा जी अपने कोल फैट सोल्यूबल। इन्हां दी तुसीं लिस्ट देख लेनी है, तुहानूं मैं इत्थे दसदा जी जिहड़ा विटामिन सी है ते जिहड़ा विटामिन बी है, ये दोनों अपने कोल वाटर सोल्यूबल ने, यह फैट दे विच डिजोल्व नहीं होंदे, तेल वाले पदार्थों विच घुलदे नहीं। सो अपना ऑप्शन की आएगा जी इत्थे, ऑप्शन बी विटामिन सी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल, अगला क्वेश्चन है जी देखो जी ये भी नैशनल ट्री का क्वेश्चन सी, मैं क्या चलो इनू भी साइंस इंक्लूड कर लें। जिहड़ा अपने देश का नैशनल ट्री हो जी बनियान ट्री पंजाबी विच जिन्हों आप कहने बोड़ का दरख्त। चलते हैं जी अगे, इस तो बाद अगला क्वेश्चन आ गया जी देखो जी, कहिंदे इन्हां विचों केड़ा फिजिकल चेंज है, फिजिकल ते कैमिकल चेंज। देखो जी फिजिकल चेंज वो चेंज जिंदे विच कोई नवी चीज़ नहीं बनती, ठीक है जी। देखो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क तो जो कर्ड बनेगी इन्दे विच भी कैमिकल चेंज हुंदा है, नवी चीज़ बनती है। लाइटनिंग ऑफ कैंडल, कैंडल नू जो आप जलाने हाँ जिहड़ी वैक्स है वो जल्दी है। अगे आ गया जी मिक्सिंग ऑफ शूगर, शूगर नू पानी विच घोलना कोई नवी चीज़ नहीं बनती, इन्दे विच की हुंदा है शूगर के पार्टिकल्स बस पानी के घुल मिल जाते हैं बट कुछ नवा नहीं बनाते। सो इतने अपना आंसर की आ जाएगा जी ऑप्शन बी। चलते हैं जी अपने को अगे, अगला क्वेश्चन है जी वैन वाटर इज़ हीटड फ्रॉम 0 to 10 degrees Celsius इन द वॉल्यूम, इन्दे अपने को आइथ विच की फ़र्क पैंदा। देखो जी जदों जीरो तो लैके आप 4 degrees तक इनू लैके जाने पहला इनका जिहड़ा अपने को वॉल्यूम है वह वधदा है, फिर 4 तो लैके जो आप 10 तक जावे 100 तक भी जावे तो ये अपने को सॉरी इतने अपने को थोड़ा जहा गलत हो गया क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट कर दिना। देखो जी जदों 0 degrees तो आप जावे जी 4 degrees तक, 0 to 4 तक जावे जोड़ा अपना वॉल्यूम है वो इनक्रीज़ होएगा, क्योंकि याद रखना 4 degrees है जोड़ा ये वॉटर का होंगे जी मैक्सीम डेंसिटी वाला पॉइंट, सब तो ज़्यादा घण है उत्थे डेंसिटी घण है उत्थे। सो पहला इनक्रीज़ होएगा फिर डिक्रीज़ होएगा, सही है जी, इसनों ध्यान नोट कर लेना। चलते हैं जी अपने इस क्वेश्चन इग्नोर कर देना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन विच आ गया गलती नाल। चलते हैं जी अगे अपने को अगला क्वेश्चन है जी देखो प्रोजेक्ट टाइगर, इनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। सो याद रखना अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नू इंडिया में लॉन्च किया गया। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, देखो जी वधिया क्वेश्चन है, कहिंदे जी जिहड़ी फिश है वो कित्थों रेस्पायर करती है, रेस्पीरेशन करती है, वो करती है जी गिल्स तों, रेस्पीरेशन मतलब जी साह किरिया, जिहड़ी फिश की साह किरिया वो पूरी हुंदी है जी गिल्स तों, गलफड़ियां तों, जिन्हां नू गलफड़े भी बोलिया जांदा। चलते हैं जी अगे, कहिंदे जी लैक ऑफ डैश कॉज डायबिटीज़, देखो ध्यान नाल हुणे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, लैक किस दी कमी करके डायबिटीज़ शूगर रोग जिन्हों पंजाबी च मधुमेह भी कहिंदे ने। देखो जी इंसुलिन को एक हॉर्मोन है जिहड़ा की करदा है शूगर नू घटाउंदा है, सो जदों इंसुलिन की कमी हो जाती है शूगर का लैवल वध जांदा है, आपां कहिंदे आ जी परसन नू की होगी डायबिटीज़ होगी। एक्साइटिड होकर नहीं टिक कर देना, क्वेश्चन नू हमेशा ध्यान नाल पढ़ना। अगला क्वेश्चन आ गया जी अपने कोल, जिहड़ा अजकल दा इंसान है मॉडर्न ह्यूमन उहदा नाम की है, याद रखना है जी ह्यूमन दा नाम है होमो सेपियन, ठीक है जी इसका साइंटिफिक नाम है होमो सेपियन। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल, देखो जी ये फिर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कह लो तुसी,
पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कित्थे है जी? कपूरथला, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला दे विच अपने कोल पुष्पा गुजराल साइंस सिटी बनी हुई है। अपना अगला क्वेश्चन जी देखो जी, कहिंदे ल्यूनार मंथ। ल्यूनार मंथ की हुंदा जी? जिथे वर्ड आ जाए ना ल्यूनार, याद रखिया जी रिलेटेड हुंदा मून दे नाल। किहदे नाल रिलेटेड हुंदा? मून दे नाल। ल्यूनार मंथ हुंदा मतलब जी कि जिहदा अपने कोल चंद्रमा है वह किन्ने दिनों दे विच पूरा चक्कर करदा है? वह चक्कर करदा है जी 28 दिनों विच। सो ल्यूनार मंथ भी किहनूं बोलिया जांदा है? 28 दिनों नूं। चलदे हां जी अपने अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन आ गया जी नैशनल फ्लावर। पहला अपने को नैशनल ट्री आया सी बरगद का पेड़, हुण अपने को आ गया जी इत्थे नैशनल फ्लावर। देखो जी लोटस, लक्ष्मी माता वाला फुल जिन्हों कहिंदे ने गॉडेस लक्ष्मी, जिहड़े फुल दे उपर विराजमान हुंदे ने जी लोटस, कमल का फुल। चलदे हां जी अगे, कहिंदे एलीमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। देखो जी केड़ा एलीमेंट कहिंदे जी जिहड़ा सारे एसिड दे विच कॉमन है? देखो जी जिहड़ा हाइड्रोजन है सारे एसिड्स विच कॉमन है। जे पुछ लैन जी बेस दे विच की कॉमन है? बेस दे विच भी जी अपने कोल ओ एच ग्रुप कॉमन हुंदा है जिन्हों बोलिया जांदा है हाइड्रोक्साइड, ओ एच नैगेटिव हुंदा एक्चुअल च, इहनूं ध्यान विच रखना। चलदे हां जी अपने अगले क्वेश्चन वल। अगला क्वेश्चन आ गया जी प्राइमरी कलर्स। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे हुंदे तुसीं देखिया होएगा ड्रॉइंग बुक दे विच तीन कलर हुंदे सी अपने कोल, ब्लू येलो ते रैड। इहदे च की हुंदा सी आपां येलो ते रैड नूं मिलांदे सी ओरेंज बन जांदा सी, ब्लू ते येलो नूं मिलाईदा ते ग्रीन बन जांदा। जिहड़े अपने प्राइमरी कलर ने उह तीन ही ने, इहनां तों अगे बाकी सारे कलर बनाए जांदे हन। चलदे हां जी अपने अगले क्वेश्चन वल। अपना अगला क्वेश्चन है जी केड़ा विटामिन है जिहड़ियां अपनियां अक्खां नूं हैल्दी रखदा है जी? सीधा सीधा आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए नूं एक होर नाम नाल जाणिया जांदा है जी रैटिनॉल। की नाम नाल जाणिया जांदा है? रैटिनॉल। याद रखना है जिन्हें भी विटामिन ने सारिया के तुसी कैमिकल वाले नाम जरूर याद करने ने, क्योंकि बड़ी बार देखा गया वो कैमिकल नाम के थ्रू विटामिन का क्वेश्चन पा देंगे ने, सीधा विटामिन का नाम नहीं लिखते। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहते जी वॉटर की है, पानी की है? कहते जी देखो आप सारे पता है वॉटर का फॉर्मूला होंगे जी H2O, इन्दे विच दो हाइड्रोजन ते एक ऑक्सीजन हैं। देखते हैं जी आ अपना बी ऑप्शन, 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। अगे चलते हैं जी, कहते जी रेनबो दे विच किन्ने कलर ने? रेनबो विच अपने कोल 7 कलर ने। इसनों याद रखने का तरीका विब ग्योर, की हुंदा जी विब ग्योर, याद रखिया जे वी तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओरेंज ते रेड, ये अपने 7 कलर ने। इसनों याद रखन दी ईजी दे तरीके। ये अपना सी अज दा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करदा तुहानू सारे क्वेश्चन बहुत चंगी तरह समझ आए होणगे, तुसीं इन्हां नूं नोट भी कर लिया होएगा। मैं इंदा कल या परसों एक होर नवा पार्ट अपलोड करांगा, सो दैट अपनी जिन्नी जनरल साइंस है आप जिन्नी मैक्सिमम तो मैक्सिमम कवर कर सकीए, जिन्ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने आप कवर कर सकीए, तो अपना इतों एक भी मार्क्स ना जाए। अगर तुहानू अज दी वीडियो वधिया लगी तो इनू अपने दोस्तों नाल शेयर करो, जो भी कोई भी तैयारी कर रहा गवर्नमेंट एग्जाम्स की उन्हें नाल शेयर करो, सो दैट जिवें मैं तुहाडी हैल्प करन दी कोशिश कर रहा तुसीं भी किसी की हैल्प कर सको। तो चलो जल्दी मिलते हैं आप अगली वीडियो के नाल। धन्यवाद।